हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम बैक हियर विद द न्यू वीडियो और ये है सेराटो डीजे लाइट सीरीज का पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि डाउनलोड कैसे करना है और उसे इंस्टॉल कैसे करना है। इस पार्ट में हम देखेंगे उसके सेटिंग्स के बारे में, उसके इंटरफेस के बारे में और सारे फंक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, सो लास्ट वीडियो में हमने सेराटो डीजे लाइट डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था और इस वीडियो में हम उसके ओवरव्यू और इंटरफेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसे लोड करते हैं। सेराटो डीजे लाइट खोलते ही आपको ये इंटरफेस मिलेगा। तो सबसे पहले अगर टॉप से स्टार्ट करें तो ये यहाँ ये जो आपका डेक जो है ये अभी प्रैक्टिस मोड ओपन है। परफॉर्मेंस मोड हम देखेंगे बाद में जब हम कंट्रोलर कनेक्ट करेंगे। तो ये प्रैक्टिस मोड है और इसमें सबसे पहले यहाँ पे सॉन्ग ड्रैग करना है दोनों में। तो सबसे पहले हम एक एक सॉन्ग ड्रैग कर लेते हैं, एक यहाँ पे और दूसरा हम यहाँ ड्रैग कर लेंगे। सो दोनों सॉन्ग यहाँ पे लोड हो चुके हैं। और अब इंटरफेस के बारे में देखें तो ये देखो, ये डेक वन है आपका और ये डेक टू है। यहाँ पे आपको दोनों के वेव फॉर्म्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको उसके कंप्लीट डिटेल्स, यहाँ पे आप जो है आप मीन्स स्क्रॉल कर सकते हो आपको जिस पार्ट पे चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंक बटन मिलता है। अब ये सिंक बटन सेराटो में तभी काम करेगा जब दोनों डेक्स में सॉन्ग होंगे। ओके, और यहाँ पे आप ऑन किया और बाद में आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। तो BPM जब सिंक दबाओगे तो ये चेंज होगा और ऑफ करते ये नॉर्मल पे वापस जो इसका ओरिजिनल BPM है उस पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर टॉप पे देखो तो ये आपको मास्टर वॉल्यूम यहाँ मिलती है और ये जो साइड में आपको जो नॉब दिख रहा है ये एक्चुअली मास्टर वॉल्यूम का है। यहाँ पे दूसरा आपको ट्राई सेराटो डीजे प्रो, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो है डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें सेराटो की जो वेबसाइट खुलेगी अपग्रेड, और फिर बाद में आप इसमें सेराटो डीजे प्रो पे अगर आपको चाहिए तो जो भी है ये सब पांच चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती है और फिर आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, या तो आप इसे ट्राई कर सकते हो लाइक ट्रायल वर्जन फ्री ट्रायल, या फिर आप इसे परचेस कर सकते हो और ये ट्रायल आपको मिलेगा 14 डेज के लिए। ओके, सो हम अभी वो नहीं करेंगे। सेराटो डीजे प्रो की मैं कंप्लीट सीरीज लाऊंगा। उसके बाद ये हेल्प में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे शो टूल टिप्स, और जैसे ये अभी आप क्लिक करेंगे इस पे शो टूल टिप्स, तो ये वाले अगर जिस भी जगह पे आप जाओगे जैसे सी सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ट्रैक डिस्प्ले, ये है आपका ट्रैक ओवरव्यू डिस्प्ले और ये हॉट क्यूज है। सो यहाँ पे आपको सब कुछ नीचे लिखा हुआ जाएगा, जैसे अगर ये क्यू पॉइंट है और ये सब हम डिटेल्स में देखेंगे। ये आपका वॉल्यूम फेडर एंड समथिंग, सो हम इसे ऑफ कर देंगे। उसके बाद है शो शॉर्टकट कीज, तो जैसे ही आप इसमें जाओगे तो प्लेबैक शॉर्टकट्स, तो इसमें जितने भी शॉर्टकट्स जो इनबिल्ट इसमें दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट है लोड सिलेक्टेड डेक, सो लेफ्ट वर्चुअल डेक है शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, और राइट वर्चुअल डेक जो है उसमें शिफ्ट प्लस राइट एरो, तो आप इसके इसे गो थ्रू कर सकते हैं। प्ले पॉज के लिए यहाँ पे आप W भी यूज़ कर सकते हो और स्पेस बार भी यूज़ कर सकते हो, और स्पेस बार तो एक के लिए हो गया अगर फर्स्ट डेक के लिए सिर्फ, अगर आप W की जगह स्पेस बार यूज़ करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको दोनों के लिए इंडिविजुअली करना है तो प्ले पॉज फर्स्ट डेक के लिए W और सेकंड के लिए S, बाद में रिवर्स प्ले डायरेक्शन, क्यू पॉइंट्स अगर आप सेट करते हो तो कंट्रोल प्लस आप 1 2 3 4 फर्स्ट के लिए और 6 7 8 9 सेकंड के लिए, और बाकी सारी चीज़ जैसे टेम्पररी क्यू पॉइंट अगर आपको सेट करना है तो आप कर सकते हो, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड के लिए है, और ये सारे यहाँ पे शॉर्टकट्स आपको दे रखे हैं। ये फर्स्ट दो जो एक्शन शॉर्टकट्स है ये सिर्फ डेक के लिए है, और उसके नीचे जो लाइब्रेरी, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, ये जो नीचे लाइब्रेरी आपको दिख रही है अगर इसके शॉर्टकट आपको देखने हैं तो ये जो लाइब्रेरी शॉर्टकट्स यहाँ दिख जाते हैं, जैसे मूव अप एंड डाउन थ्रू ट्रैक्स और जूम मेन वेव फॉर्म डिस्प्ले एग्जिट सेराटो डीजे लाइट, और ये सब आपको यहाँ मिल जाता है। ये नीचे नोट लिखी हुई है, इफ़ द ऑप्शन प्लेबैक कीज यूज शिफ्ट इज एनेबल्ड ऑन द सेटअप स्क्रीन All playback keys require either shift or caps lock to be pressed. So the shortcut describes are the key on a US keyboard and the other keyboards this key position may be labeled differently. Okay, so ये तो बस उन्होंने Mac और उसका दिया है कि जैसे control और command में difference है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। और उसके बाद जो है हेल्प के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, तो सेटिंग के ऑप्शन में सबसे पहला है DJ preferences. Okay. सो फर्स्ट है कंट्रोल प्रिफरेंसेस। सो जैसा कि हमने उस जो लास्ट नोट में पढ़ा था कि अगर शिफ्ट एनेबल्ड है तो अगर आप ये प्लेबैक की शिफ्ट एनेबल करोगे तो आपको सब जगह पे शिफ्ट या कैप्स लॉक यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ में, लेकिन हमने इसे ऑफ कर रखा है तो हमारा बस एक जैसे प्ले है तो W से काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद एनेबल हॉट क्यूज, हमने इसे ऑब्वियसली हॉट क्यूज तो चाहिए तो इसे एनेबल रखना है। उसके बाद ऑटो गेन है तो वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से वो रिकमेंडेड है तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद इंस्टेंट डबल्स, तो इससे क्या होगा कि अगर आप एक सॉन्ग लोड करोगे एक ट्रैक पे तो दूसरे पे भी वही आ जाएगा, जनरली स्क्रैचिंग के टाइम पे मोस्ट लॉक करते हैं। सेकंड ऑप्शन है ऑडियो का, USB बफर साइज लेटेंसी। देखो अब ये इसमें यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, लोअरिंग द लेटेंसी विल रिजल्ट इन टाइटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स।
तो देखो मैं आपको इसमें समझाता हूँ। जैसे अगर आपके पास कंट्रोलर है तो उसका जॉग व्हील जो है वो छोटा होता है, तो अगर आप इसको बड़े पे रखोगे लाइक 20 पे रखोगे तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्क्रैच और उसमें यूज़ करना। सो जब हम कंट्रोलर यूज़ करते तो हम उसे 5 पे रखते, 5 से नीचे नहीं रखते, 5 मिनिमम चाहिए। और उसके बाद में अगर आप जैसे टर्न टेबल यूज़ कर रहे हो इसके साथ, तो आप इसे ड्रैग करके 10 या 20 पे आपके हिसाब से आप ऐसे इसे ड्रैग करना है, 10 या 20 पे आप इसे ले आते हो। तो अभी जब हम कंट्रोलर यूज़ करेंगे, और अभी हमारे पास कंट्रोलर है भी नहीं एक्चुअली, हम सेराटो डीजे लाइट प्रैक्टिस वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसे किसी पे भी रखें हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अभी। उसके बाद लाइब्रेरी प्लस डिस्प्ले, सो यहाँ पे शो iTunes लाइब्रेरी, अगर आपने iTunes कनेक्ट किया हुआ है तो वो आप कर दो, जैसे अभी मैंने तो नहीं किया लेकिन फिर भी इसे ऑन रखा है। ओके तो जब हम मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम लाइब्रेरी की बात करेंगे तब मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद लाइब्रेरी टेक्स्ट साइज, सो जो नीचे सॉन्ग्स की डिस्प्ले साइज है उसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन डिस्प्ले, अभी मैंने उसे ऑफ कर रखा है। उसके बाद लास्ट ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है सेंड यूजेस डेटा टू सेराटो, मतलब आप जो भी यूज़ कर रहे हो जिस हिसाब से यूज़ कर रहे हो तो ये सारी डिटेल सेराटो को जाएगी कि भाई ये बंदा इस हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है। सो जैसे इससे क्या होगा कि हेल्प सेराटो प्रोवाइड यू विथ अ मोर प्रोफेशनलाइज एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स फीचर्स एंड सपोर्ट बाय ऑटोमेटिकली सेंडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ यू यूज सेराटो डीजे। सो इसमें लिखा है कि जनरली जो आप यूज़ करते हो जिस हिसाब से आप जैसे आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, सो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेराटो डीजे को चली जाएगी और कलेक्शन इज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन विल नॉट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। सो वो कोई परफॉर्मेंस पे आपके अफेक्ट नहीं करेगा और ये सारी डिटेल सेराटो के पास जाएगी और वो लोग चेक करते हैं इंडिविजुअली नहीं, ओवरऑल चेक करते हैं कि हमें किस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए। सो इतना ही सही सेटिंग है इसमें। ओके उसके बाद ये ओवरव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये फर्स्ट डेक है, ये आपका ऑन स्क्रीन क्रॉस फेडर है सेंटर में। ओके उसके बाद ये जो है ये आपका चैनल फेडर है, और ये है आपका गेन नॉब, जो गेन या ट्रिम या किसी पे भी लिखा होता है वो। ये सिंक मैं आपको बता चुका हूँ, ये है BPM, और ये प्लस और नेगेटिव साइन जो आपको दिख रहा है ये जनरली सॉन्ग जो हम जनरल प्लस माइनस करते हैं बीट मैचिंग के टाइम पे, अगर एक बीट मिस हो गई तो उसे आप प्लस दबा के सेट कर देते हो। उसके बाद ये आपका डिस्प्ले है, ये बटन जो आपको दिख रहा है इसको प्रेस करते ही आपका सॉन्ग यहाँ से अनलोड हो जाएगा, जैसे ये दबाया और सॉन्ग गायब हो गया। ओके सो हम वापस इसे रीलोड कर देते हैं यहाँ पे। ओके ये हॉट क्यूज है 4, ये ऑटो लूप है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हॉट क्यूज सेट करना है और ये सब। ओके और नेक्स्ट ये वेवफॉर्म आपको मिल जाते हैं, नीचे आपकी लाइब्रेरी आ जाती है, और बस इतना ही है अभी। ओके गाइस, सो आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में हमने देखा सेराटो डीजे लाइट के ओवरव्यू, उसके इंटरफेस के बारे में, उसकी सेटिंग्स, हेल्प और ये सब आपको कैसे यूज़ करना है, वो बफरिंग साइज सेटिंग में। आई होप कुछ ना कुछ आपको न्यू लगा होगा उसमें। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम हॉट क्यूज के बारे में बात करेंगे, क्यू पॉइंट्स के बारे में, लूप्स के बारे में, आपको इसमें सेट कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें उस वीडियो में मैं बताऊँगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।